हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज क्लोज। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उससे पहले अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं थर्मल पावर प्लांट होता क्या है। थर्मल पावर प्लांट में हम कोल से जो कोयला होता है उसे बर्न करते हैं और उसकी जो हीट होती है उसके थ्रू हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। और वाटर को जब हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो उस स्टीम को हम देते हैं टरबाइन को, और टरबाइन उस स्टीम की हेल्प से रोटेट होता है। टरबाइन के शाफ्ट से हम जनरेटर को कनेक्ट कर रखते हैं और फिर जनरेटर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसकी वर्किंग हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोल मिलता है या फिर ब्राउन कोल मिलता है, जिसका यूज हम एज अ फ्यूल थर्मल पावर प्लांट्स में करते हैं। और थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम कोल को पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं। इसके डिटेल प्रोसेस हम अभी आगे देखेंगे। थर्मल पावर प्लांट में मेनली आपने सुना होगा एक साइकिल यूज होती है जिसे बोला जाता है रैंकाइन साइकिल। तो सबसे पहले हम इसी रैंकाइन साइकिल के बारे में जानेंगे। देखिए, रैंकाइन साइकिल मेनली एक वेपर साइकिल होती है और इसके चार कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यह है टर्बाइन, एक ये लगा हुआ है कंडेंसर, यह है वाटर पंप और ये है बॉयलर, और बॉयलर के साथ लगी हुई है वाटर ट्यूब्स। अब देखिए, ये क्लोज लूप साइकिल होती है जिसमें हम वाटर को कैसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, कैसे टरबाइन वर्क करती है, फिर दोबारा से हम उस स्टीम को वाटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस साइकिल में इसी प्रोसेस को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट वन लिखा हुआ है, यहाँ से वाटर आता है और जो वाटर पंप है वो इस वाटर के प्रेशर को बढ़ाता है। वाटर का प्रेशर बढ़ने के बाद वाटर को बॉयलर को दिया जाता है। बॉयलर के थ्रू यहाँ पे हीट जनरेट होती है और इसी हीट की हेल्प से वाटर ट्यूब्स में वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो पॉइंट थ्री आपको दिख रहा है, यहाँ पे है टरबाइन। उस स्टीम को एक्सपेंड करके यहाँ पे टरबाइन को दिया जाता है। और ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, यह टरबाइन की शाफ्ट। इसी शाफ्ट के साथ हम जनरेटर कपल करके रखते हैं, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब टरबाइन को जो स्टीम दी जाती है वो पूरी स्टीम यूज नहीं होती। यहाँ पे जो यूजफुल स्टीम होती है वो तो टरबाइन को रोटेट करने में यूज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टीम बच जाती है उसे कंडेंसर की हेल्प से दोबारा वाटर में कन्वर्ट करके यूज कर लिया जाता है। ऐसे ही ये साइकिल वर्क करती है, जिसे हम रैंकाइन साइकिल बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये टेम्परेचर और एनेट्रोपी का ग्राफ है। यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट से यहाँ तक जो लाइन है इसे हम बोलते हैं लिक्विड लाइन, और इस क्रिटिकल पॉइंट से जो राइट साइड को आपको लाइन दिख रही है इसे हम बोलते हैं वेपर लाइन। मतलब यहाँ पे वाटर के थ्रू प्रोसेस हो रही है और यहाँ पे वेपर के थ्रू प्रोसेस हो रही है। और यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो उस कंडीशन में आता है जब वाटर कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेचर और एनेट्रोपी का ग्राफ है। तो जो एनेट्रोपी होती है, एनेट्रोपी मतलब मॉलिक्यूल्स का जिगजैग मोशन, मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे जिगजैग मोशन कर रहे हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वाटर का प्रेशर लो होता है और पॉइंट वन पे जैसे ही हम वाटर पंप को इंसर्ट कराते हैं तो वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फिर उस कांस्टेंट प्रेशर के साथ हम वाटर को बॉयलर को देते हैं। 2 to 3 आपका बॉयलर का प्रेशर शो हो रहा है। बॉयलर में वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम स्टीम को टरबाइन को देते हैं। तो जब टरबाइन को स्टीम देते हैं उस टाइम पे स्टीम थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाती है। अब स्टीम एक्सपेंड होगी तो स्टीम का प्रेशर भी कुछ कम हो जाएगा और थोड़ा सा टेम्परेचर भी डाउन होगा, जो कि 0.3 to 4 शो किया गया है। अच्छा, टरबाइन का जो प्रेशर होता है वो होता है 1015 PSIA। PSIA भी प्रेशर की एक यूनिट होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है पाउंड पर स्क्वायर इंच एब्सोल्यूट। और 1 PSIA इज इक्वल टू होता है
6894.75 पास्कल के बराबर। अब 0.4 तक की प्रोसेस तो हमने देख ली थी, अब यहाँ पे कंडेंसर के थ्रू स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती है और कंडेंसर भी यहाँ पे फिक्स प्रेशर पे वर्क करता है जो कि यहाँ पे 4:1 शो किया गया है। कंडेंसर का वैक्यूम में प्रेशर 28 होता है और एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी होती है 2। अब हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कोल की प्रोसेस। अब कोल जैसे हमें पता है माइंस से निकाला जाता है और माइंस से निकालने के बाद कोल को प्योरीफाई किया जाता है और ट्रेन्स की हेल्प से उस कोल को हम थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाते हैं। उसके बाद कोल का थर्मल पावर प्लांट पर स्टोरेज होता है। 1.5 मिलियन टन के बराबर कोल हमारा थर्मल पावर प्लांट में स्टोर रहता है। अब जो कोल हमें मिलता है उसका डायरेक्टली हम पावर प्लांट्स में यूज नहीं करते हैं। यूज करने से पहले कोल को पल्वराइजेशन की हेल्प से पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कोल को डायरेक्टली यूज न करके उसे पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं पल्वराइजेशन ऑफ कोल। अब उस पाउडर्ड कोल को बॉयलर को दिया जाता है। यहाँ पे बॉयलर का काम होता है उस कोल को बर्न करके हीट जेनरेट करना। अब जब कोल चलेगा तो उसकी ऐश भी निकलेगी, मतलब उसकी राख भी बनेगी। तो जो हैवी राख यहाँ पे बनती है उसे हम बोलते हैं बॉटम ऐश। बॉटम ऐश नीचे ही रह जाती है और फिर हम उसे छान के अलग से डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन जो कोल के जलने के बाद उसके हल्के वाले पार्टिकल्स रह जाते हैं उन्हें हम प्रेसिपिटेटर की हेल्प से कलेक्ट करते हैं। इन हल्के पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेटर एब्सॉर्ब कर लेता है। अब ये तो हो गई कोल की प्रोसेस। अब जब हम यहाँ पे कोल को बर्न करते हैं तो हीट जेनरेट होती है और बॉयलर में ऐसी कई सारी वाटर ट्यूब्स लगी होती हैं। बॉयलर में 565 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट जेनरेट होती है जिससे वाटर ट्यूब्स में वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और इस स्टीम को फिर हम देते हैं टरबाइन को। इस स्टीम की हेल्प से टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है और टरबाइन के शाफ्ट से कनेक्टेड होता है जेनरेटर। अब टरबाइन रोटेट होती है तो उसकी शाफ्ट भी रोटेट होती है। उस शाफ्ट के रोटेशन की वजह से जो उसमें जेनरेटर लगा होता है उसका रोटर भी रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होती है और जेनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से स्टेप अप किया जाता है और ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट एरियाज में ट्रांसमिट किया जाता है। अब ये तो हो गई इलेक्ट्रिसिटी साइकिल की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे जो टर्बाइन में स्टीम आ रही है वो स्टीम कम्प्लीटली यूज नहीं होती है। मतलब एक बार स्टीम के प्रेशर से टर्बाइन रोटेट हुई उसके बाद उस स्टीम का क्या? तो उसके बाद स्टीम को कंडेंसर को दिया जाता है। यहाँ पे स्टीम को ठंडा करके वापस से वाटर में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उस वाटर को रीयूज कर सकें। इस स्टीम को प्रॉपरली ठंडा करके वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कूलिंग टावर को दिया जाता है। ये कूलिंग टावर का स्ट्रक्चर है और इसमें जो ट्रायंगल का शेप बना हुआ है नीचे, इसके थ्रू एक्सटर्नल एयर कूलिंग टावर के अंदर जाती है। तो जब वार्म वाटर को या स्टीम को कूलिंग टावर में एक हाइट से गिराया जाता है तो यहाँ से जो इन ट्रायंगल्स के थ्रू जो एक्सटर्नल एयर कूलिंग टावर के अंदर जा रही है वो इस हॉट वाटर या स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देती है। और जब यहाँ पे वाटर ठंडा हो जाता है तो उस वाटर को फिर से कंडेंसर की हेल्प से बॉयलर को दे दिया जाता है ताकि वो वाटर दोबारा से रीयूज हो पाए और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। अब यहाँ पे वाटर साइकिल की बात हो रही है तो कुछ पावर प्लांट्स के पास अपना रिजर्वॉयर भी होता है। जैसे आपको पता होगा रिवर का लेवल अप डाउन होता रहता है तो इसीलिए हम एक अलग सा रिजर्वॉयर भी थर्मल पावर प्लांट्स के साथ बना के रखते हैं। जहाँ पे जो रिवर का वाटर है वो टॉक्सिक हो सकता है। अगर हम इतने टॉक्सिक वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो टाइम लगेगा या हो सकता है कि वाटर कम्प्लीटली स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन रिजर्वॉयर्स में वाटर का प्योरिफिकेशन भी किया जाता है जिसे हम डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं और ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं डीएम प्लांट्स। इसमें केवल H2O यानी कि प्योर वाटर हम यहाँ पे रिजर्व करके रखते हैं और उसी वाटर को हम कूलिंग टावर की हेल्प से कंडेंसर को देते हैं और कंडेंसर उस वाटर को बॉयलर को देता है
और बॉयलर के थ्रू फिर वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होके टर्बाइन को दिया जाता है और ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी हमें जेनरेट होके मिलती है। तो ये तो था थर्मल पावर प्लांट के वर्किंग। अब हम देखते हैं थर्मल पावर इन इंडिया। इंडिया में अभी थर्मल पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 234.72 गीगावाट। इस थर्मल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 53% हम कोल से ऑब्टेन करते हैं और अभी लगभग 32.285 गीगावाट कोल और गैस बेस्ड पावर प्लांट्स इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडिया की 46.9% थर्मल पावर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जेनरेट की जाती है। अब हम देखते हैं 10 बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, जिसमें है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो कि मध्य प्रदेश में है, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है, मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट गुजरात में है, सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है, तिदोड़ा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में है, तेलचर सुपर पावर प्लांट उड़ीसा में है, रिहान थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है, सिपत थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है, चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र में है और एनटीपीसी दादरी है यूपी में। तो ये थे टॉप 10 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। अब हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट्स के कुछ एडवांटेजेस, इसके क्या क्या फायदे हैं। जैसा आपको पता है थर्मल पावर प्लांट्स में एज अ फ्यूल कोल का यूज होता है, तो कोल की इंडिया में बहुत सारी माइंस हैं, इसलिए कोल हमें सस्ता पड़ता है। थर्मल पावर प्लांट्स की इनिशियल कॉस्ट अदर पावर प्लांट्स के कंपैरिजन में कम होती है और इसमें कोई भी रिस्क आता है तो उसे इजीली हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट हम कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, और थर्मल पावर प्लांट अगर लोड रैपिडली चेंज हो रहा है तो उसके लिए भी एफिशिएंट होते हैं। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। थर्मल पावर प्लांट का मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट बहुत हाई होता है। जैसे हम 1.5 मिलियन टन कोल का स्टोरेज करके रखते हैं, अब सोचिए इतनी ज्यादा जगह हमें सिर्फ स्टोरेज के लिए चाहिए और इसमें वाटर के रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। इसके साथ ही थर्मल पावर प्लांट्स में कोल हैंडलिंग की भी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ कोल से निकलने वाले ऐश को भी प्रॉपरली डिस्पोज करना होता है और ऊपर से कोल को बर्न करने से एनवायरनमेंट में भी पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इसके साथ ही कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब आगे आने वाले कुछ सालों के बाद कोल हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं रहेगा कि हम थर्मल पावर प्लांट्स में से यूज कर पाए, इसीलिए ये भी थर्मल पावर प्लांट का एक डिसएडवांटेज है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में जाना, उसकी वर्किंग देखी और साथ ही साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी देखे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।